30 सालों के लंबे इंतजार के बाद ज्ञानवापी परिसर के व्यास जी के तहखाने में आखिरकार पूजा शुरू हुई। कोर्ट के फैसले के 24 घंटे के भीतर ही वाराणसी जिला प्रशासन एक्शन में आई। प्रशासन ने 31 जनवरी देर रात बैरिकेटिंग हटवाई और रात करीब 2 बजे व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू करवाई। पूजा शुरू होने के बाद लोगों में उत्साह देखा गया। पूजा की अनुमति मिलने के बाद राष्ट्रीय हिंदू दल नाम के संगठन ने विश्वनाथ मंदिर मार्ग पर लगे एक साइन बोर्ड से ज्ञानवापी मस्जिद शब्द हटाकर ज्ञानवापी मंदिर पर मार्ग का पोस्टर भी लगा दिया। दूसरी तरफ ज्ञानवापी व्यास जी परिसर में पूजा रोकने की मांग को लेकर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कोई राहत नहीं दी। मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया गया। वहां सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी मस्जिद पक्ष को कोई फौरी राहत नहीं मिली। अगली सुनवाई अब 6 फरवरी को होगी। बहुत साफ है, इतिहास में बहुत चीज़ें लिखित नहीं है, पर 1000 से ज़्यादा मंदिर हमारे तोड़े गए हैं मुगलों के द्वारा, और उन मंदिरों के प्रति लोगों की आस्था थी। वो पीढ़ी चली गई, पर अब समझ में आ रहा है कि इन मंदिरों को तोड़ा गया था, इन मंदिरों को लूटा गया था, क्योंकि पहले हमारे यहाँ मंदिर में ही खजाना होता था, और इसलिए उनको मंदिर को तोड़ा भी गया और लूटा भी गया है, और ये इतिहास इस बात का साक्षी है। मुझे लगता है कि सारे प्रमाण देखकर ही न्यायालय ने फैसला किया। इससे एक देश में वो लोग जो भगवान के प्रति आस्था रखते हैं उनमें बहुत प्रसन्न है। वो मस्जिद का हो ही नहीं सकता, और इसीलिए कोर्ट ने जो निर्णय किए हैं, पूजा अर्चना शुरू कराई है, सारे तथ्य देखने के बाद ASI की जो रिपोर्ट है उस आधार पर उसमें अनुमति देने का काम किया है, और पूजा अर्चना जो शुरू कर दी गई, प्रशासन ने व्यवस्था की, उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन का। दूसरा पक्ष है वो हकीकत पे नहीं जा रहा, ASI की रिपोर्ट पर को भी गलत बताने का प्रयास करता है और ब्लेम लगा रहा है। तो दूसरा पक्ष जो है विवाद तो वही खड़ा कर रहा है। कोर्ट के निर्णय को दूसरे पक्ष को भी मानना चाहिए। कोर्ट के निर्णय को अगर दूसरा पक्ष नहीं मानना तो कानून व्यवस्था को भंग करने का काम दूसरा पक्ष ही कर रहा है।